भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बीजेपी के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष समीर उरांव पर बीती रात त्रिपुरा के अगरतला के बाहरी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, दौरान उनके वाहन पर पथराव किया गया। उन्हें कोई चोट नहीं आई है, हालांकि उनके काफिले का हिस्सा एक अन्य भाजपा नेता घायल हो गए हैं। समीर उरांव को मौके से बचाने के लिए सुरक्षा गार्डों ने कुछ राउंड फायरिंग की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा गार्डों द्वारा हवा में 2 राउंड फायरिंग की गई और समीर को मौके से बचा लिया गया। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा का जा रही है। बता दें कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा एक्टिव दिखाई दे रही है। भाजपा ने त्रिपुरा विधानसभा को लेकर कुछ फिर बदल किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश से विधान परिषद नेता महेंद्र सिंह को त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं राज्यसभा सांसद समीर उमराव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।